व्हील बेल्ट ट्रैक्टर। एक गांव में कन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास जो एक एकड़ की भूमि थी, उस पर फसल उगाकर मिले पैसों से परिवार को पालता था। उसके खेत के बगल में ही उस गांव के जमींदार का भी खेत था। कन्ना की पत्नी का नाम उमा था और बेटे का नाम था माही। कन्ना अपने बेटे माही को पड़ोसी सिटी में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहा था। माही बहुत होशियार लड़का था, वो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था। एक बार कन्ना चावल की फसल को उगा रहा था, तभी वहाँ कन्ना का दोस्त दास आया। दास कन्ना से, क्या रे कन्ना, अभी भी क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? उम्र बढ़ती जा रही है, कल परसों तो तुम्हारा बेटे को अच्छा नौकरी मिलेगा ना। आराम से रहने के बदले ऐसा क्यों मेहनत कर रहे हो? ये खेत किसी को बेचकर आए पैसों से अच्छे से जी सकता है ना। कन्ना, सच है रे, लेकिन ये जायदाद मेरा दादा परदादा के समय का है। हम कब से खेती पर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। ये खेत मेरी माँ की तरह है, इसे बेच नहीं सकता हूँ। जब तक मेरे शरीर में ताकत हो, तब तक इस खेत में खेती करूँगा। यूँ कहा दास। हाँ हाँ, तुम ऐसे कहते रहो, और वहाँ वो जमींदार तुम्हारे खेत को कैसे हड़प सके सोच रहा है। तुम खुद बेच दोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा दाम मिलेगा, वरना तो तुम्हें जमींदार के बारे में पता है ना। वो अगर तय कर लिया कि किसी की तरह तुम्हारे खेत को हड़पना है, तो दाम देना तो बड़ी बात, तुम्हारी जान पर भी आ बनेगी। यूँ कहा कन्ना। अब तक तो हमसे आके नहीं पूछा ना, आएगा तब देख लेंगे। वैसे तुम्हारे बेटा कैसा है, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? यूँ पूछा दास। क्या पढ़ाई क्या नहीं पता नहीं, परसों को ही वो सप्ली कहकर कुछ एग्जाम लिखा। इस बार भी वो पास होगा या नहीं मुझे पता नहीं, अब मेरा खेत को संभालने के लिए कहूँगा। यूँ कहा। एक दिन कन्ना अपने ट्रैक्टर से खेती कर रहा था कि तभी वहाँ जमींदार आया। जमींदार कन्ना से, क्यों भाई कन्ना, नया फसल डाले हो लगता है। इतना मेहनत करते हो तो तुम्हें कितना पैसे मिलते हैं बोलो। देखो, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा पैसे मैं दूंगा। तुम्हारे खेत मुझे दे दो, मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अच्छाई के बारे में पता है, इसलिए कह रहा हूँ। यूँ कहा कन्ना। देखिए जमींदार जी, ये खेत मेरे लिए माँ के बराबर है, इसे मैं नहीं बेच सकता। यूँ कहा जमींदार गुस्से में वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गए। फिर अगले दिन कन्ना अपने ट्रैक्टर के पास आकर देखा तो उसके टायर्स नहीं थे। वो देखकर कन्ना परेशान हो गया। कन्ना ये सब किसने किया, क्यों किया, ये समझ ही नहीं पाया। तभी वहाँ उसका बेटा माही आया। कन्ना माही को जो हुआ वो सब बताया। कन्ना, पता नहीं मुझे क्यों ये सब जमींदार जी ने ही किया होगा लगता है। माही, ठीक है पिताजी, मैं पता लगाता हूँ कि ये सब किसने किया, लेकिन पहले हमारे खेत में हल चलाना है तो आपका ट्रैक्टर चाहिए। पहले इस ट्रैक्टर के टायर सेट करना होगा, मेरे पास एक आइडिया है। कहकर मैकेनिक शॉप पर जाकर पुराने टायर्स को लेकर आया। उनसे एक टायर का बेल्ट तैयार किया। वो देकर कन्ना दंग रह गया। ऐसे कन्ना उस व्हील बेल्ट ट्रैक्टर को चलाते हुए जाता था तो लोग आश्चर्य से देखने लगे। उस ट्रैक्टर से खेती करते वक्त कन्ना का दोस्त दास वहां आया। दास कन्ना से, बाप रे बाप, ये क्या हो गया, तुम्हारे ट्रैक्टर टायर्स को किसी ने रात में चुरा लिया? बाप रे, इतना बड़ा नाइंसाफी। यूँ कहा तब माही, चाचा जी, उस चोर को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, उसे तो सबक सिखा कर ही रहूँगा, कल पंचायत भी बिठाने वाला हूँ। यूँ कहा। फिर माही अगले दिन पंचायत ही बिठाया। वहाँ जमींदार, गाँव के बड़े सब आए। तब माही, देखिए, मेरे पिताजी का इस गांव में अच्छा नाम है, लेकिन कोई तो है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उनके ट्रैक्टर के टायर्स को निकाल दिया। वो चोर कौन है, इस बात का सबूत मेरे पास है। मेरे घर के सामने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रखा वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए। कहकर अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया।
उस वीडियो को देखकर कन्ना के साथ साथ सब हैरान रह गए। तभी दास वहाँ से भागने लगा, लोग उसे पकड़ लिए। तब माही, क्या दास चाचा, मुझे आप पर शक कैसा हुआ ये सोच रहे हो? हमारे टायर चोरी हुए हैं ये बात तो हमने किसी से नहीं कहा, लेकिन आप सीधा हमारे पास आकर यूं टायर को कोई रात को चुरा लिया और आपको इस बात का गम है ये बताए, तभी आपके ऊपर शक हुआ और ये फुटेज बाहर निकाला। आपको पिटवाना या अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, बोलिए ऐसा क्यों किए? यूं कहा दास, मुझे माफ कीजिए, मैं आपका दोस्त हूँ ये कहने में मुझे शर्म आ रहा है। मुझे दिन ब दिन तुम्हारी खुशी देख कर रहा नहीं गया। मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे जायदाद थी, पर भी आप लोग जितना खुश नहीं रह सका। तेरा बेटा पढ़ाई में नंबर वन है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इस तरह हर बात में आपको खुश देखकर ऐसा किया। क्यों कहा कन्ना, अरे इस बात का क्या दुख है रे, सारे बच्चे मेरे बेटे की तरह फर्स्ट आए ऐसा तो कोई बात नहीं है। पहले तुम्हारे बेटे को क्या पसंद है वो पता लगाओ, फिर उसे जो पसंद है वो काम करने दो, तभी तुम्हारा बेटा भी खुश होगा। यूं कहा वो सब देखकर वहां मौजूद सारे लोग खुश हुए।